Hello students, today we discuss the chapter 8 of NCERT. Chapter 8 is comparing quantities. Comparing quantity means when we compare the 2% height या 2% weight, तो उसे हम क्या बोलते हैं? Comparing quantities. जब दो values को compare करते हैं, तो वो comparing quantities. वो हो सकता है weight, हो सकता है उनका, उनकी height हो सकती है, उनकी ages हो सकती है. अब जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है उसमें फर्स्ट पार्ट है रेशो. रेशो मींस हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर टू अदर नंबर या सेकंड नंबर. रेशो क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो कितने टाइम से सेकंड नंबर के, या सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर के कितने टाइम से, वो क्या कहलाता है? रेशो. जैसे रेशो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल डॉट से, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर? रेशो. फर्स्ट टॉपिक इज रेशो. तो रेशो मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर टू अदर नंबर. ठीक है, जैसे कि जस्ट लाइक मैंने कहा कंपेयर करते हैं हम एजेस को. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन की एज है, फर्स्ट एज, और ये सेकंड एज. फर्स्ट की एज है 12 ईयर, सेकंड की एज है 6. रेशियो को डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. जब भी हम कंपेयर करेंगे टू क्वांटिटीज को, पहले सेम यूनिट में कंपेयर करेंगे, फिर देन उनकी यूनिट हटा देते हैं, फिर कंपेयर द टू क्वांटिटीज. अब 12 और 6 दोनों सेम टेबल से कैंसिल कर सकते हैं. 6 वन जा 6 एंड 6 टू जा 12. तो जो फर्स्ट की एज है वो टू टाइम्स है सेकंड की एज की. तो हम कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड के कितने टाइम से, या सेकंड वैल्यू फर्स्ट के कितने टाइम से. यही क्या कहलाता है? रेशो. लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज of 8.1. First question, find the ratio of 5 rupees to 50 paise. 8.1 is related to ratio and 8.2 related to percentage. So first of all, we discuss the ratio. First question of the exercise 8.1, first A, 5 rupees compare to 50 paise. When we compare the two quantities, first we see the same unit. हम क्या देखेंगे? Same unit, have the same unit. उनके पास same unit होनी चाहिए. First rupees, second in paise. तो first unit रुपए में है, second unit पैसे में है, तो ये comparison नहीं हो सकता. पहले हम same unit में convert करेंगे. तो इस 5 rupees को convert करेंगे पैसे में. तो you know 1 rupees इक्वल्स टू क्या होते हैं? 100 पैसे. 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे. तो 5 रुपीज को कन्वर्ट कीजिए. तो 5 रुपीज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 500 पैसे. ये हमने किस में कन्वर्ट कर दी? 5 रुपीज को 500 पैसे में. तो फर्स्ट यूनिट हो गई 500 पैसे, सेकंड यूनिट 50 पैसे. अब दोनों के पास कौन सी यूनिट है? पैसे. तो अब पैसे को हटा देंगे. जब हम रेशो में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को, तब यूनिट हटा देंगे. कंपैरिजन में सबसे पहले कंपैरिजन जब भी करेंगे तो सेम यूनिट होनी चाहिए. अगर फर्स्ट के पास मीटर है, सेकंड के पास सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे या सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपैरिजन होगा. अब हमने क्या करा? रुपीस को किस में कन्वर्ट कर दिया? पैसे में. सेकंड यूनिट ऑलरेडी इन पैसे, तो देन कंपेयर द टू क्वांटिटीज. फर्स्ट 500, सेकंड इज 50. 10 से 10 कैंसिल, तो फर्स्ट इज 50, सेकंड इज 5. 5 टेन जा 50, 5 वन जा 5. तो सेकंड क्वांटिटी से कितने टाइम्स से फर्स्ट क्वांटिटी? 10 टाइम्स. इट मींस 5 रुपीज जो होता है 50 पैसे से कितने टाइम्स होता है? 10 टाइम्स. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ए. नेक्स्ट फर्स्ट बी. डू द फर्स्ट बी पार्ट. जब भी हम कंपैरिजंस करेंगे, इट मींस रेशो के क्वेश्चंस करेंगे, तो पहली नीड यही है कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. इट मींस अगर वो डिफरेंट यूनिट में है तो कन्वर्ट करेंगे सेम यूनिट. बी पार्ट, 15 केजी टू 201 ग्राम. 15 केजी टू 201 ग्राम. फर्स्ट यूनिट इन केजी, सेकंड यूनिट इन ग्राम. तो केजी कन्वर्ट इनटू द ग्राम. तो 1 kg equals to 1000 ग्राम. 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम. तो
1 kg में 1000 ग्राम है, तो 15 kg को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, 15,000 ग्राम। तो हमने क्या करा, 15 kg को कन्वर्ट कर लिया ग्राम में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वांटिटी किसमें है, ग्राम में। फर्स्ट क्वांटिटी केजी में थी, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड में। कंपैरिजन कब होता है, जब सेम क्वांटिटी होती है, सेम यूनिट होती है। तो फर्स्ट को केजी को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। तो फर्स्ट यूनिट 15,000 ग्राम, सेकंड 210 ग्राम, बोथ यूनिट इन ग्राम। अब देन कंपैरिजन, 15,000 कंपेयर टू 201, तो 15,000 रेशो 210। दिस साइन इज ए रेशो साइन, डबल डॉट जो साइन होता है वो रेशो। 10 से 10 कैंसिल, तो 1521। नेक्स्ट 3 की टेबल से 3 5 जा 15, तो 500 टाइम, 3 7 जा 21। तो 500 और 7 आप सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते हैं। एक और बात है, जब आप इनको कैंसिल करते हो सेम टेबल से कैंसिल करेंगे, ऐसे नहीं इसको 2 की टेबल से कैंसिल कर दिया इसको 3 की टेबल से, ये रॉन्ग मेथड होता है, सेम टेबल से कैंसिल करेंगे। तो 15 kg कन्वर्ट इनटू द 500 एंड 200 ग्राम, 15,000 kg, 15,000 ग्राम कन्वर्ट इन टू द 500 एंड 210 ग्राम कन्वर्ट इन टू द 7। तो जो एक दूसरे के कंपेरिजन हो गया 500 रेशो 7, तो आंसर इज 500 रेशो 7। नेक्स्ट डू द सी पार्ट, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। अगेन सेम थिंग, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, 9 मीटर को आपको कंपेयर करना है 27 सेंटीमीटर से। तो फर्स्ट 9 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वी नो डैट 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर। मीटर यूनिट बड़ी होती है, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट होती है। तो 1 मीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर। तो 9 मीटर इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 था, तो 9 मीटर इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 900 सेंटीमीटर, 9 मीटर इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट यूनिट 900 सेंटीमीटर, सेकेंड यूनिट 27 सेंटीमीटर, दोनों सेम यूनिट है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो पहले क्या करेंगे, सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट ही हटा देते हैं, क्योंकि रेशो में कोई यूनिट नहीं होती, रेशो की यूनिट्स नहीं होती। तो 900 कंपेयर टू 27, अब 3 की टेबल से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, इट मीन्स 300, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, अगेन 3 की टेबल से, 3 1 जा 3 100, 3 3 जा 9। अब दोनों किसी की टेबल्स में नहीं आते, क्योंकि 100 2 की टेबल से डिविजिबल है, बट 3 3 से डिविजिबल है, 3 में 100 आता नहीं है। तो आंसर इज 100 रेशो 3। तो 9 मीटर 27 सेंटीमीटर कितने टाइम से, 100 टाइम्स, पर ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब 100/3 टाइम्स से 9 मीटर किसके, 27 सेंटीमीटर के। तो आंसर इज 100 रेशो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस इज यूनिटरी मेथड क्वेश्चन, नॉट ए क्वेश्चन इज, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर द 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। 3 कंप्यूटर्स है 6 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या है, 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स गिवन है। तो हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स की नीड होगी। तो हमें ऐसे क्वेश्चन यूनिटरी मैथड से होते हैं, यूनिटरी मैथड कहलाता है जब हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, इट मीन्स 1 स्टूडेंट्स को कितने कंप्यूटर की नीड होगी, पहले ये निकालेंगे, फिर देन मल्टीप्लाई द लार्ज वैल्यू, इट मीन्स 24 स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे जब भी हम 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो कहलाता है यूनिटरी मेथड। तो इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6 स्टूडेंट्स नीड कंप्यूटर 3, 6 स्टूडेंट नीडेड 3 कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर्स नीडेड है, 3 कंप्यूटर। तो 1 स्टूडेंट्स
वन की वैल्यू निकालते हैं, वन स्टूडेंट नीडेड कंप्यूटर 3/6, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स के लिए नीड थी 3 कंप्यूटर्स की, तो 1 स्टूडेंट के लिए होगा 6 से डिवाइड होगा ये वैल्यू, तो 3/6, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। बट हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड, 24 स्टूडेंट्स के लिए कितनी नीड होगी, तो 24 स्टूडेंट्स नीडेड कंप्यूटर इस, जब आपको 1 की वैल्यू गिवन है 1/2, तब आपको मोर देन 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो इस वैल्यू से क्या होती है मल्टीप्लाई। जब आपको 1 की वैल्यू मालूम है, जैसे कि मैं 1 डे में 3 रसगुल्ले खाता हूँ, तो अगर 2 डेज में क्या खाऊंगा, 3 × 2 = 6 रसगुल्ले, ठीक है। तो जब भी आपको 1 की वैल्यू गिवन है, आपको मोर देन 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 हैव अंडर द डिनोमिनेटर, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 1 लिख दिया। अब 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 24 12 टाइम्स, तो 12 1 जा 12, तो आंसर इज 12 कंप्यूटर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स, 12 कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट्स के लिए नीड है 12 कंप्यूटर्स। तो इस टाइप से आप किसके क्वेश्चंस करेंगे, रेशो को। तो रेशो के लिए मस्ट है कि पहले उनकी सेम यूनिट होनी चाहिए, फिर देन कंपेयर द टू क्वांटिटीज। थैंक्स।